हाय, आई एम सुष्मिता बनर्जी। जनरली बॉलीवुड फिल्म में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और विलेन आके उन दोनों के बीच उंगली कटता है, पर आखिर में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। क्या ये सब फिल्म हम स्टूडेंट्स के लिए है? ऑब्वियसली नो। इससे हम क्या सीखे कि कैसे हीरो बन के विलेन की पिटाई करनी है, या सबके लाइफ में विलेन बनना है, या फिर हीरोइन की तरह अबला नारी बन के हीरो का वेट करना है? ये सब हमारे किसी काम में तो नहीं आने वाला। लेकिन बॉलीवुड में कुछ अच्छे मूवीज़ भी है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, तो आज हम ऐसे कुछ मूवीज़ के बारे में बात करेंगे। पिछली बार मैंने वीडियो डाली थी रिच वर्सेस पुअर, तो रिच बनने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए वो वीडियो देख के शायद आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। तो चलिए अभी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, रफ बुक। दिस मूवी इज़ अबाउट आवर एजुकेशनल सिस्टम, कि कैसे अच्छे टीचर्स को अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिलते और अच्छे स्टूडेंट्स को अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। दिस मूवी इज़ ऑल्सो अबाउट द बैक बेंचर्स। अगर आप एक बैक बेंचर हो तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 4, ज़ीरो। ए शाहरुख खान वाला मूवी ज़ीरो नहीं है, इट्स अ साउथ इंडियन फिल्म, बट आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। एक बाप और बेटे की कहानी है। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कभी भी कोई ज़ीरो से हीरो बन सकता है और हीरो से ज़ीरो। मूवी बहुत इंस्पिरेशनल है, यू शूड वॉच दिस मूवी। नंबर 3, सीक्रेट सुपरस्टार। शायद आप में से बहुत लोगों को इस फिल्म के बारे में पता होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ाई के लाइन में ही आगे बढ़ना है। आपके अगर कुछ और पैशन है तो आप उनको लेकर भी आगे बढ़ सकते हो। तो ये मूवी एक लड़की के ऊपर है जो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी अपने ड्रीम को पूरा करने के ज़िद में आ जाती है। ये जो पैशन उसमें है, इससे हमें सीखना चाहिए। अजब सिंह की गजब कहानी। एक लोअर क्लास का लड़का बचपन में ही ठीक कर लेता है कि उसे क्या बनना है और पूरी मेहनत करता है IRS ऑफिसर बनने के लिए। और यही नहीं, वो लड़का एक स्पेशली एबल्ड पर्सन है, मतलब PWD कैंडिडेट। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको ये फिल्म ज़रूर सजेस्ट करूँगी। नंबर 1 पे मैंने रखा है किताब को। ये एक बहुत ही पुरानी मूवी है। एक छोटा सा बच्चा जिसको पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई थिंक दिस मूवी इज़ वेरी रियलिस्टिक। तो बाद में उस बच्चे को लाइफ की जो हार्ड रियलिटी है वो पता चलती है, और इस छोटी सी उम्र में ही गोज़ थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद ना हो, देन यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस फिल्म। तो ये सारे के सारे फिल्म्स यूट्यूब में अवेलेबल है, आप अभी सर्च करके देख सकते हो। और अगर आपको इस टाइप के वीडियो और चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, तो मैं समझ जाऊँगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मेहनत ना करने वालों की नैया पार नहीं होती। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई फिल्म बहुत इंस्पिरेशनल लगी हो तो आप कमेंट में वो हम सबके साथ शेयर कर सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे और सैटरडे को। अलविदा एंड कीप वॉचिंग।